विश्व कैंसर दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में डॉक्टर स्मृति पांडे ने गर्भाशय और स्तन कैंसर पर महिलाओं को जागरूक किया। वहीं पुरुषों को विभिन्न कैंसर, मुख व फेफड़ों के कैंसर के प्रति सेक्टर सुपरवाइजर सैयद असलम ने विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यशाला में आए महिलाओं और पुरुषों से दूसरों को भी इन रोगों के प्रारंभिक लक्षणों को बताकर शीघ्र जांच और निदान के प्रति जागरूक करने की अपील की। सबके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, आपका धूम्रपान सबके स्वास्थ्य के लिए है हानिकारक, तंबाकू है जानलेवा, इसके उपयोग को रोके, तंबाकू है जानलेवा, इसके उपयोग को रोके। विश्व कैंसर दिवस पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आने हुए मरीजों की ओपीडी में हमने उनको जन जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम में सम्मिलित किया। कैंसर के बचाव, निदान और उपचार के संबंध में उनको जानकारी दी। कैंसर के प्रमुख कारकों का उनके सामने चर्चा किया और विस्तार से चर्चा किए। डॉक्टर स्मृति पांडे ने उनको स्तन कैंसर के बारे में, LHB आर विश्वास ने स्तन कैंसर के और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी और हमने सामान्य कैंसर के बारे में, यानी कैंसर से जो विकार उत्पन्न होते हैं, किस कारण, किन कारणों से कैंसर होता है, उसके लक्षणों के बारे में उनको समझाया कि एकाएक किसी का वजन कम हो जाना, एकाएक किसी को लगातार बुखार आना, बुखार का ठीक नहीं होना, किसी ऐसे अंग से लगातार रक्त का स्राव होना, ये सब संकेत हैं। और हमने उनको समझाया कि किसी व्यक्ति का अचानक शरीर से 10 किलो वजन कम हो जाने से डॉक्टर उसमें चिन्हांकित करते हैं। तो आज जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जब जन लोगों को इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो भारत में 3 प्रकार के कैंसर का अज्ञानता के कारण अभी भी उसमें लोग रुचि नहीं ले पा रहे, और जब विषम परिस्थिति होती तब वो अस्पतालों में आते हैं। एक तो स्तन कैंसर के बारे में, दूसरा सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो महिलाओं को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारी महिला चिकित्सक ने इसके बारे में आज विस्तार से इन पर चर्चा किया है। आई हुई OPD की महिलाओं को उनको बतलाया है कि बहुत सारी महिलाएं ये समझती हैं कि महावारी हो रही है, जबकि वो अन्य कारण होता है। इसलिए उनसे उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है और उनसे अपील किया है कि अपने समुदाय में जाके इसके बारे में महिलाओं से चर्चा करें और स्तन के बारे में सेल्फ जांच के लिए, यानी व्यक्तिगत रूप से रोज जांच होना चाहिए। तो दर्पण में स्वयं महिलाएं अपने स्तन की जांच करें, किसी भी प्रकार की अगर गांठ होती है तो अपनी महिला चिकित्सक से उससे संपर्क करें ताकि वो गांठ के बारे में उनसे विस्तृत से बताए और उनकी जांच अगर समय पर हो जाएगी तो प्रथम निदान, प्रथम उपचार होगा।